नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश लाइव में। मैं आपके साथ तनीषा जैन। आई शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ। प्रदेश भर में जोर शोर से मनाया गया गणतंत्र दिवस। स्कूल कॉलेज समेत सभी जगहों पर ध्वजारोहण कर किया गया भारत के संविधान पर अमल। प्रदेश भर में ठंड का प्रकोप जारी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिविटी के चलते जबलपुर संभाग में 28 से 29 जनवरी के बीच हो सकती है बारिश। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा एक्शन में। महेंद्र सिंह को बनाया मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव का प्रभारी। साथ ही सतीश उपाध्याय को दी गई सह प्रभारी की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचेंगे छिंदवाड़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भाजपा का फोकस छिंदवाड़ा सीट पर ज्यादा। 26 जनवरी को कटनी के बड़वारा में हुआ बड़ा हादसा, जहां चाय की दुकान में गैस रिसाव के बाद LPG सिलेंडर फट गया। हादसे में 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। लक्ष्मण सिंह ने ईवीएम को लेकर बड़े भाई दिग्विजय सिंह पर साधा निशाना। कहा एक मशीन खराब हो सकती है लेकिन सभी ईवीएम नहीं। साथ ही सवाल किया ईवीएम कौन लाया। ज्ञानवापी ASI सर्वे की रिपोर्ट पर प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया बड़ा बयान। कहा ASI देश की वह संस्था है जिसकी प्रतिष्ठा देश के बाहर भी है। न्यायालय ने जो रास्ता तय किया है उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। राम जन्मभूमि का रास्ता उसी आधार पर निकला था। उज्जैन के भाजपा नेता राम निवास कुमावत के घर बीती रात लूटपाट की वारदात को दिया गया अंजाम। साथ ही कुमावत और उनकी पत्नी की हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पद्म विभूषण कथानक कमलेश्वर की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी श्रद्धांजलि। बता दें कि कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को सड़क पार करते नजर आई बाघ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। आज की खबरों में इतना ही। अन्य मुख्य समाचारों के लिए देखते रहिए स्वदेश लाइव। नमस्कार।